झलक शर्फी। इन दिनों पूरे देश में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा खूब हो रही है। हो इसलिए भी रही है क्योंकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्में बन रही हैं जो देश ही नहीं विदेशों में भी धमाल मचा रही हैं। गली गली तेरी लाज जली। इसके पीछे विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बॉलीवुड को भी अब टॉलीवुड से सीखने की जरूरत महसूस की जा रही है। खैर, इस विषय पर हम कभी और बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उन धुरंधरों की जिन्हें सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्यार मिल रहा है। आज हम इन्हीं धुरंधरों की शिक्षा की बात करेंगे कि आपके ये हीरो आखिर कितने पढ़े लिखे हैं। ये वीडियो शुरू करें इससे पहले हमारा फिर एक बार निवेदन है कि वीडियो आखिरी तक देखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते हमें लाइक और सब्सक्राइब का रिटर्न गिफ्ट जरूर देकर जाएं। प्रभास। सबसे पहले बात उस बाहुबली की जिसने फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक उपलपति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू उर्फ प्रभास ने बीटेक किया। उन्होंने एक्टिंग के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए सिनेमा जगत की ओर बढ़ने से पहले हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भीमावरम के DNR स्कूल में की। इसके अलावा वह सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापत्तनम के पूर्व छात्र भी रहे हैं। अल्लू अर्जुन। दूसरे नंबर पर बात उस चहेते फिल्म स्टार की जिसे इस वक्त पूरा देश प्यार कर रहा है, वो है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में एक्टिव हैं। उन्होंने चेन्नई के सेंट पैट्रिक स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और MSR कॉलेज हैदराबाद से BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। महेश बाबू। घटामनेनी महेश बाबू उर्फ महेश बाबू सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने सेंट बैडे के एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई में शिक्षा प्राप्त की, जहां अभिनेता कार्थी उनके साथ पढ़ते थे। बाद में उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। रवि तेजा। मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले रवि तेजा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तेजा ने अपना अधिकांश बचपन अपने पिता के काम के कारण उत्तरी भारत में बिताया। उनके पिता एक फार्मासिस्ट थे। रवि ने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में की। इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज विजयवाड़ा से कला में ग्रेजुएशन की। सूर्या। सर्वनन शिवकुमार के रूप में जन्मे सूर्या भी तमिल सिनेमा के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने चेन्नई में पद्म शेषाद्री बाला भवन स्कूल और सेंट बैड्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की और लोयोला कॉलेज चेन्नई से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। धनुष। धनुष का असली नाम वेंकटेश प्रभु है और उनका जन्म लोकप्रिय तमिल फिल्म निर्माता कस्तूरी राजा के घर हुआ। धनुष एक मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक, गीतकार, डांसर और प्लेबैक सिंगर हैं, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वो कॉलेज नहीं जा सके क्योंकि उनके पिता और भाई सेल्वा राघवन ने उन्हें जबरदस्ती फिल्मों में काम करने के लिए फोर्स किया था। तो ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री के वो चुनिंदा कलाकार हैं जो इस वक्त खूब छाए हुए रहते हैं। लेकिन अगर धनुष को छोड़ दें तो सुपरस्टार्स बनने से पहले इन सभी ने अपनी पढ़ाई से किसी तरह का समझौता नहीं किया। आप क्या कहेंगे इन साउथ के सुपरस्टार्स के बारे में? अपनी राय कमेंट जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी से लवरेज वीडियो में। नमस्कार।